सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने सोमवार को एक किशोरी से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया। सोमवार को पुलिस ने नवाब यादव को कोर्ट में पेश किया। यहां से नवाब यादव को जेल भेज दिया गया। कोर्ट से जेल जाते वक्त नवाब सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। वहीं मंगलवार को भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर सपा को घेरा है। नवाब यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूरी घटना एक बड़ी साजिश है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह ने कहा कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस और पूंजीपतियों ने मिलकर साजिश रची है। जल्द ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को पुलिस ने किशोरी से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार किया था। किशोरी कॉलेज में नौकरी मांगने के लिए अपनी बुआ के साथ आई थी। रविवार की देर रात किशोरी ने 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया था। कॉलेज पहुंची पुलिस ने नवाब सिंह यादव को वहां से आपत्तिजनक हालत में हिरासत में लिया था। सोमवार को नवाब को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। गिरफ्तारी के बाद सपा ने बाकायदा पत्र जारी कर 5 साल पहले से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाते हुए नवाब सिंह यादव से पल्ला झाड़ लिया था। पार्टी की ओर से जारी पत्र के मुताबिक नवाब सिंह यादव कभी भी पार्टी के प्रारंभिक सदस्य या सक्रिय सदस्य भी नहीं है। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि तिरवा क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी अपनी बुआ के साथ रविवार को किसी काम से लखनऊ गई थी। दोनों करीब रात 11 बजे वापस तिरवा पहुंचे, जहां से दोनों शहर के करीब स्थित चंदन महाविद्यालय पहुंचे। नवाब सिंह यादव ने किशोरी को अपने कॉलेज में नौकरी देने के लिए बुलाया था। इसी दौरान जब किशोरी की बुआ बाथरूम गई तो मौका देखकर आरोपी ने छेड़खानी शुरू कर दी। बुआ के वापस आने के बाद उसने किसी तरह यूपी 112 डायल कर पुलिस को जानकारी दी। रात करीब 1:30 बजे यूपी 112 और सदर कोट वाली पुलिस कॉलेज पहुंची और छात्रों के बताए मुताबिक आरोपी नवाब सिंह यादव को मौके से पकड़कर कोतवाली ले गई। जरूरी पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 14 दिन की रिमांड में लेकर उसे जेल भेज दिया है। उधर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि मित्रों, आज बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दे की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन का व्यवहार तो आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन अब उनसे जुड़े दलों की अपराध को लेकर हिम्मत और हिमाकत आपके सामने आ रही है। अपराध को संरक्षण देने की इंडिया गठबंधनों की सियासत को बड़े दुखी और भारी मन से देश देख रहा है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा और उसके ऊपर हमने देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आप एक बार फिर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध तो एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की संवेदना की चिट्ठी तक उपलब्ध है, उससे भी गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने ये तो स्वीकार किया कि नेता समाजवादी पार्टी के हैं और कौन सी नौकरी रात में प्राप्त करने के लिए ये 15 वर्ष की लड़की पहुंचे थे। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में सीमा है, ये वो उसको दर्शाता है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि चुनाव के वक्त जो कहते थे यूपी के दो लड़के, उन दो लड़कों के साथ जो भी लोग हैं वे गलती नहीं क्राइम कर रहे हैं। जब से इन दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी बढ़ती जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।